वो मित्र थे, वो बहुत पक्के मित्र थे। उनका नाम था रामू और श्याम। रामू बहुत ही चालाक था और श्यामू बहुत ही अच्छा इंसान था। एक दिन वो नौकरी करने के लिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं। श्यामू कहता है, अरे रामू भाई, ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर नौकरी करने के लिए चलते हैं, गांव में अब कुछ भी नहीं है। तो रामू कहता है, हाँ ठीक है, और अपने घर से वो दोनों निकल जाते हैं। बस फिर क्या था, रास्ते में जंगल पड़ता था। रामू कहता है श्यामू से, अरे भाई श्यामू, रास्ते में तो जंगल है, अनेकों प्रकार के जानवर हैं, हम इस जंगल से निकल जाएंगे ना? अरे हाँ निकल जाएंगे, तुम परेशान मत हो, अगर कोई मुसीबत आती है तो रामू भाई तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, श्यामू ने कहा। अब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक भालू उधर से आ रहा था गुर्राते हुए। जैसे ही भालू को देखते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब रामू डर के मारे उससे कहता है, अब बचने का उपाय बताओ। अब श्यामू कहता है, ऐसा करते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, ऐसा करो कुछ और उपाय लगाते हैं। तो रामू को तो पेड़ पर चढ़ना आता था, वो भाग कर पेड़ पर चढ़ जाता है। अब श्यामू कहता है, अरे भाई रामू, मुझे भी पेड़ पर खींच लो। श्यामू कहता है, अरे भाई मुझे भी पेड़ पर खींच लो, पर रामू उसका हाथ नहीं पकड़ता और वह श्यामू कुछ और उपाय सोच लेता है। ऐसा करता है, वो ज़मीन पर अपनी थोड़ी देर के लिए सांस बंद करके लौट जाता है। जैसे ही भालू उसके पास आता है, जब वह श्यामू ज़मीन पर लेटा हुआ था, भालू जैसे ही उसके पास आया, उसको सूंघा और वहाँ से चला गया। तो रामू पेड़ पर से ये सब देख रहा था। जैसे ही पेड़ से उतरता है, श्यामू को कहता है, अरे भाई श्यामू, भालू आपके कान में क्या कह रहा था? श्यामू कहता है, अरे मित्र, ऐसे मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, ऐसे मित्र कब धोखा दे दें कोई पता नहीं। और